गुड इवनिंग बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चैप्टर 13 चुंबक एवं इसके गुण, आज इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज हम करेंगे चुंबकत्व की जांच, यानी टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। सभी पदार्थ चुंबकीय नहीं होते हैं। कोई पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है या नहीं, इसके लिए हम एक कंपास का प्रयोग कर सकते हैं। कंपास आप सभी जानते हैं कैसा दिखता है। चुंबकीय सुई का एक सिरा प्रायः उत्तर दक्षिण उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। ये जो कंपास होता है उसमें एक जो सुई होती है वो उत्तर दिशा की तरफ हमेशा रहेगी। यदि चुंबकीय सुई के समीप में कोई चुंबकीय पदार्थ आता है तो सुई उसकी तरफ मुड़ जाती है। अब मान लीजिए इस कंपास के पास आपने कोई मैग्नेट रख दिया तो जो सुई होगी उसकी निडल होगी वो उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, वो चाहे उत्तर दिशा में हो। लेकिन अगर आपने मैग्नेट किसी और दिशा में भी रखा होगा तो कंपास की निडल उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएगी। नेक्स्ट है, चुंबकत्व की सही जांच प्रतिकर्षण ही है। अगर आपको पता करना है कि आपके पास जो मैग्नेट है वो एक्चुअल में मैग्नेट है तो आप कैसे पता कर सकते हैं, जब वो रिपल्शन शो करेगा, यानी कि जो सब्सटेंस है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। देखते हैं कैसे। धातु की एक छड़ लीजिए, यानी मेटल स्टिक। चुंबक के ध्रुवों को बारी बारी से धातु के दोनों सिरों के पास लाइए। अब जो मैग्नेट है, ध्रुव यानी उसके कॉर्नर वाले हिस्से, तो चुंबक के ध्रुव को बारी बारी से मेटल स्टिक के पास लाइए, ठीक है। यदि धातु के दोनों सिरों में आकर्षण होता है तो धातु की छड़ चुंबक नहीं है। अब इसमें क्या देखने लायक बात है, मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है, ठीक है। अब आप इस सिरे पे ला रहे हैं और ये अट्रैक्ट कर रहा है, वही चीज इधर हो रही है, यानी दोनों तरफ से अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं है, ठीक है। सेम इसमें भी देख सकते हैं, दंड चुंबक में अगर यहाँ भी अट्रैक्ट कर रहा है और इधर भी, तो ये भी मैग्नेट नहीं है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक साइड एक तरफ वो क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा और दूसरी तरफ वो रिपल करेगा, है ना। अतः प्रतिकर्षण ही किसी धातु के चुंबक होने अथवा नहीं होने की असली जांच कराता है। तो हमें जब वो रिपल कर रहा है मैग्नेट, किसी भी मेटल की स्टिक है या कोई भी मेटल की चीज है, धातु आपके पास उसको रिपल कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसमें ये मैग्नेट है। दिशा निर्देशन जांच, दिए गए छड़ को एक धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए। आपके पास एक मैग्नेट है, मान लीजिए ये रहा, इसमें हमने एक धागे से इसको बांध दिया है, ठीक है। यह घूमेगा क्योंकि हमने इसे स्वतंत्र छोड़ रखा है, सिर्फ धागे से बांधा है, दोनों सिरे इसके स्वतंत्र है, तो ये अपनी जगह पे घूम जाएगा, या हम हल्का सा पुश कर देंगे तो ये घूम जाएगा। अतः उत्तर दक्षिण दिशा में आकर स्थिर होगा। और जब ये थोड़ा घूमने के बाद किस डायरेक्शन में रुकेगा, ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में। यह सुनिश्चित करता है कि दी गई छड़ एक चुंबक है, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक मैग्नेट है। यदि छड़ किसी भी दिशा में रुक जाती है तो यह चुंबक नहीं होगी। मान लीजिए ये उत्तर और दक्षिण दिशा में ना रुके, किसी दूसरी दिशा में रुक जाए, तो हम बता सकते हैं कि ये चुंबक नहीं है। चुंबक के गुण, यानी एक मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे। चुंबक के गुणों को निम्नलिखित रूप में समझाया जा सकता है। फर्स्ट, चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, ये बात आपको क्लियर है ना। सेकंड, सजातीय ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं तथा विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं, यानी कि अगर माइनस और माइनस ये दो ध्रुव हैं तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। वहीं अगर एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे के पास आएंगे। थर्ड पॉइंट, चुंबकीय ध्रुव हमेशा युग्म में उपस्थित होते हैं। हमारे पास जो मैग्नेट होगा उसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ये दोनों ही होंगे, ठीक है। अगर दोनों माइनस हो रहे हैं या प्लस हो रहे हैं तो ये चुंबक नहीं कहलाया जाएगा। जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों हैं, हम उसे ही मैग्नेट कहेंगे। फोर्थ, देखिए, ध्रुवों पर चुंबकीय बल सर्वाधिक होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो रीजन है सामने इस तरफ और इस ध्रुव पर, यहाँ पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आप देखेंगे, बीच वाले हिस्से में नहीं देखेंगे, ठीक है।
एक चुंबकीय कंपास में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, किंतु एक छोटी चुंबकीय सुई एक कांच के खोल में बंद रहती है तथा यह मध्य में इस तरह रखी रहती है कि स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। जब इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर रखा जाता है तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकती है। ये देखिए, ये क्या है? एक कैंपस है, मैग्नेटिक कैंपस। इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक छोटी सी निडल होती है, ये रही आप देख रहे हैं, और डायरेक्शन भी लिखा है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना। इसमें क्या होता है, जब आप इसे किसी टेबल पर रख देंगे तो ये किस डायरेक्शन में रुकेगी? उत्तर और दक्षिण की दिशा में, ठीक है। इसका उपयोग नाविकों एवं समुद्री यात्रियों द्वारा दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में नाविक चुंबक के इसी गुण का प्रयोग करके दूर समुद्र में दिशा का पता लगाते थे। हमारे प्राचीन वक्त में डायरेक्शन पता करने का कोई रास्ता नहीं हुआ करता था, ऐसे में ये जो कंपास होते थे इनका यूज करते थे। जैसे कि नाविक जो नाव पर जा रहे हैं, या फिर समुद्री यात्री जो होते थे लंबा सफर कर रहे हैं समुद्र के थ्रू, तो इस कंपास के थ्रू वो डायरेक्शन पता कर लेते थे। ठीक है बच्चे, आज के लिए बस मैं इतना ही करा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। ना आए तो मुझे ज़रूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।